हेमोरॉइड्स। हेमोरॉइड्स क्या होते हैं? ये लगभग लगभग पाइल्स के जैसे ही, लेकिन मोटी मोटी जो खून की नलियां हैं, वेन्स जो हैं, वो बहुत ज्यादा मोटी जब हो जाएं, और ये इनसाइड द रेक्टम और आउटसाइड द एनस, या फिर प्रोलैप्स्ड जो बोला जाता है, प्रोलैप्स्ड हेमोरॉइड्स जिनको बोला जाता है, ये तीन प्रकार के होते हैं। हेमोरॉइड का मतलब भगंदर जिसको बोला जाता है, मतलब जो पाइल्स हैं उसके मस्से जब बहुत ज्यादा बड़े हो जाएं, वेन एकदम से एबनॉर्मली डायलेट हो जाए, तब जो होता है। हेमोरॉइड्स के होने के कारण क्या है? हेमोरॉइड्स जब होते हैं तो बेसिकली लक्षण क्या होते हैं? ब्लीडिंग है, नॉन ब्लीडिंग हेमोरॉइड्स हैं, या फिर पाइल्स की तरह इनको भी इंटरनल एक्सटर्नल, या फिर तीसरा टाइप होता है प्रोलैप्स्ड हेमोरॉइड्स। तीन टाइप के ये हेमोरॉइड्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, इनके होने के बाद इनका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, आज हम वीडियो में अंत तक ये पूरा जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इंटरनल हेमोरॉइड्स। इंटरनल हेमोरॉइड्स का मतलब होता है कि वो वेन्स जो अंदर की तरफ ज्यादा सूज करके एकदम से उन्होंने अंदर पूरा का पूरा एक गुच्छा बना रखा है, जैसे हम कभी कभी देखते हैं वेरिकोज वेन्स। तो बेसिकली यहां पर जो हेमोरॉइड है, इसमें वेन में वही एबनॉर्मल टर्टसिंग हो रही है, वही एबनॉर्मली वेन डायलेट हो रही है, लेकिन जैसे पैर में खून की नली डायलेट होकर के बाहर फूल करके आ जाती है, मस्से जैसा बना लेती है, गुच्छा जैसा बना लेती है, अगर वैसा ही ये डिजिटल कोलोन पर बनाएगी तब इसको बोला जाता है हेमोरॉइड। हेमोरॉइड जो है, इनके होने का विशेष कारण जो है वो होता है कब्ज। अगर कॉन्स्टिपेशन ज्यादा समय तक रहा तो डेफिनेटली हेमोरॉइड्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हेमोरॉइड्स हुए किसी को और कब्ज को ट्रीट नहीं किया गया तो डेफिनेटली ये मान लीजिए हेमोरॉइड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। ये है बड़ी आंत। बड़ी आंत मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का ये असेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसवर्स कोलोन, ये डिसेंडिंग कोलोन, ये सिग्मोइड कोलोन, ये रेक्टम और ये एनस। ठीक है, अब ये जो स्थिति है इसमें रेक्टम से हेमोरॉइड्स होना चालू होते हैं। जो खून की नलियां हैं अगर वो एबनॉर्मली डायलेट हो गई और फूल करके ऐसे करके बड़े बड़े मस्से टाइप के इन्होंने अगर बना लिए। एबनॉर्मली डायलेट का मतलब जैसे खून की नली ये है, अब खून की नली लेकिन कौन सी? वेन। तो वो वेन जो है ये इस तरीके से चल रही थी, लेकिन इसी वेन पर यहां ऐसे करके एक अगर एबनॉर्मल डायलिटेशन आ गया और इसमें ब्लड भर गया, तो इस तरीके से इसमें अगर ब्लड भर गया है तो ये जो है इधर की तरफ, ये अंदर की आंत है और ये जो निकल के आ गया इसको बोला जाएगा हेमोरॉइड। अगर ये रेक्टम के अंदर है तब इसको बोला जाता है इंटरनल हेमोरॉइड। और इंटरनल हेमोरॉइड जिस तरीके से इंटरनल पाइल्स होती हैं वैसे ही ये ज्यादा फूल जाएगा तब इसको इंटरनल हेमोरॉइड बोला जाएगा। और इंटरनल हेमोरॉइड अगर अंदर की तरफ है तो प्रेशर की वजह से अगर ये फूटा तो इसको इंटरनल हेमोरॉइड या ब्लीडिंग हेमोरॉइड बोला जाता है। अगर ये एनस के आसपास है, यहां पर आउटसाइड द एनस है, तो फिर इसको बोला जाता है एक्सटर्नल हेमोरॉइड। अब एक्सटर्नल है तो जैसे ही मोशन जाएंगे ये निकल करके बाहर आ जाएंगे, इसलिए ये फूटेंगे नहीं, इसलिए ब्लीडिंग नहीं होगी, तो इसके लिए इसको बोला जाएगा एक्सटर्नल हेमोरॉइड और नॉन ब्लीडिंग हेमोरॉइड्स। अब तीसरे टाइप के होते हैं, जैसे यहां से हमने इसको काटा आंत को और इस तरीके से हमने अलग से यहां बनाया। अब अगर हमने ये आंत जो है ऐसे करके यहां अलग से बनाई है और ये जो है ऐसे जाकर के यहां आप एनस में कन्वर्ट हो रही है। अब अगर इस तरीके से यहां पर हेमोरॉइड्स जो हैं निकल करके बाहर इस तरीके से लटक जाते हैं कभी कभी दोनों तरफ, एनस के बाहर की तरफ ही, तो फिर इसको बोला जाता है प्रोलैप्स्ड हेमोरॉइड। प्रोलैप्स्ड का मतलब है ये धीरे से नीचे की तरफ बाहर आ गए हैं और ये या तो प्रोलैप्स्ड कंडीशन में ही रहते हैं या फिर इनको बड़े जतन कर करके धीरे 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 करके अंदर किया जाता है। अगर प्रोलैप्स्ड हेमोरॉइड का केस होता है तो ये मान लीजिए कि इंसान को जैसे ही सवेरा होता है एकदम घबराहट होना चालू हो जाती है कि मोशन जाना पड़ेगा। अब अगर मोशन जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, कैसे मोशन पास होगा, वो हेमोरॉइड जो है वो बाहर आ जाते हैं, बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन हो जाती है और इनमें से ओजिंग चालू हो जाती है ब्लड की। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि इसकी वजह से ब्लड लॉस होते होते
ब्लड लॉस, अनीमिया होना चालू हो जाता है। तो ये बड़ी ही खतरनाक, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होती है। इस कंडीशन से अगर बचना है आपको तो बहुत ज्यादा आवश्यक है कैसे भी करके आप कॉन्स्टिपेशन मत होने दीजिए। कॉन्स्टिपेशन अगर रहेगा तो डेफिनेटली ये हेमोरॉइड आज नहीं तो कल बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो जाएंगे, बहुत ज्यादा परेशान करेंगे आपको। इसलिए कॉन्स्टिपेशन रिलीवर्स का यूज आप अच्छे तरीके से करिए। कॉन्स्टिपेशन रिलीवर बहुत सारे प्रकार के आते हैं, आपको जो भी लेना है लीजिए, लेकिन कोशिश ये करिए कि आपको कुछ समय के बाद बाहर से किसी भी कॉन्स्टिपेशन रिलीवर का यूज ना करना पड़े। आप नेचुरल जैसे फाइबर का यूज ज्यादा करिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीजिए, कोशिश करिए ऐसा खाना खाएं जो बहुत आसानी से पच जाता है, अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है, ताकि वो एलिमिनेशन में भी थोड़ा ईज में रहे। अब हमने अगर मान लो पराठे खा लिए या मैदे से बनी कोई चीज खा ली तो वो ना तो पचनी है ना उसमें से एब्जॉर्प्शन होना है, तो एलिमिनेशन की तो बात ही खत्म हो जाती है। इसलिए बहुत आवश्यक होता है कि आप ऐसा खाना खाइए जो बहुत आसानी से पच जाए। बहुत ज्यादा फाइबर रिच फूड लीजिए, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा फलों का उपयोग किया जाए। अगर आप सलाद ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं तो कोशिश करिए खाने के कम 40-45 मिनट पहले आप पेट भर के सलाद खाना चालू कर दीजिए। लेकिन सलाद को आपको ऐसे खाना है जैसे आप खीरा खा रहे हैं, तो खीरा खाना नहीं है। आपके आहार नाल से जब खीरा नीचे उतरे तो खीरा नहीं, खीरे का रस नीचे उतरे, मतलब सलाद को बहुत चबाकर खाना है। आप जितना चबाकर खाएंगे उतना ज्यादा गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स जनरेट होगा, जितना ज्यादा गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स जनरेट होगा उतना ही आंतों की चाल अच्छी रहेगी। आंतों की चाल अच्छी रहेगी तो आंतों में खून की नलियों की दीवारें कभी भी इस तरीके से एबनॉर्मल डायलिटेशन पर नहीं जाएंगी। और जो मल रगड़ करके नीचे की तरफ आता है, क्योंकि मल टाइट हो जाता है, क्योंकि पानी नहीं है, क्योंकि फाइबर की कमी है, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा भारी खा लिया है, तो हमें कोशिश करनी है कि मल टाइट होने ही ना पाए। और मल कब टाइट होता है? लैक ऑफ वाटर की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से। ओरल हाइड्रेशन ज्यादा से ज्यादा करिए। पानी को आपको कोशिश करना है सिप कर करके पूरे दिन का पानी पिया जाए। लेकिन कोशिश ये भी करिए कि खाने के कम आधे घंटे पहले, खाने के कम 45 मिनट बाद तक पानी का यूज बिल्कुल भी ना किया जाए। इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। अगर ये ध्यान रख लेते हैं तो डेफिनेटली जो ये हेमोरॉइड्स हैं ये जड़ से खत्म होना चालू हो जाएंगे। अब हम देखते हैं हेमोरॉइड्स में लक्षण क्या क्या आते हैं। तो हेमोरॉइड्स में लक्षण आते हैं जैसे एनस पर बहुत इचिंग रहेगी, बार बार करके हाथ जो है एनस की तरफ जाएगा लोगों का। अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली ये हेमोरॉइड की एक निशानी है, प्रूराइटिस, जिसको एनल इचिंग बोला जाता है। दूसरा रहता है पेन, बहुत ज्यादा रहेगा, इतना ज्यादा पेन रहेगा कि इंसान कराहता रहेगा इस हेमोरॉइड की प्रेजेंस की वजह से। और तीसरा होता है कि अगर हेमोरॉइड रेक्टल जो आउटसाइड द रेक्टम है या फिर पेरिफेरल एरिया पे है, रेक्टम के आसपास ही है, जिसको एक्सटर्नल हेमोरॉइड बोला जाता है, तो ऐसे केस में अगर ये कभी ज्यादा प्रेशर की वजह से ऊज करना चालू हुए तो थोड़ी थोड़ी ऊजिंग होगी। और अगर ये इंटरनल हेमोरॉइड्स हैं तो ये ब्लीडिंग करा सकते हैं, ब्लीडिंग पर रेक्टम जिसको बोला जाता है, वो एक तो हेमोरॉइड्स की वजह से होता है, एक एनल फिसर और होता है। एनल फिसर का मतलब है एनस पर बहुत ज्यादा जोर लगने की वजह से कट लग जाना। और अगर ये कट लग जाता है तो इस कट की वजह से, ये कट कैसा लगेगा, ये वर्टिकल कट लगता है जनरली। तो वर्टिकल कट अगर मान लो एनस पर इस तरीके से कट लगा तो ये वर्टिकल कट है। इस वर्टिकल कट की वजह से डेफिनेटली ये आपको जब भी मोशन जाएंगे आप, तब फिर वो एनस को खुलना पड़ेगा। और एनस अगर खुलेगा तो वर्टिकल कट धीरे से फिर से चौड़ा होता है, तो ब्लीडिंग चालू हो जाती है। अब जनरली ऐसा होता है कि मोशन जा रहे हैं, मोशन जाके आए, फिर ब्लीडिंग चालू हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको ये ध्यान रखना होता है कि स्टूल सॉफ्टनर्स का यूज आप कर सकते हैं। स्टूल सॉफ्टनर जनरली जैसे बहुत सारे एलोपैथी में भी स्टूल सॉफ्टनर्स आते हैं, या फिर आयुर्वेद की भी कुछ सिरप आती है जो स्टूल सॉफ्टनर का काम करती हैं, या फिर नेचुरली आप अगर स्टूल सॉफ्टनर का यूज करना चाहते हैं तो आंवला ले सकते हैं, या हरड़ जो है एंटी इंफ्लेमेटरी एंटी ऑक्सीडेशन के साथ में स्टूल सॉफ्टनर का काम करती है। लेकिन साथ में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हरड़ गर्म तासीर की है, इसलिए हरड़ के साथ में पानी का उपयोग आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो डेफिनेटली धीरे धीरे करके ये जो आपके हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम है ये धीरे धीरे करके खत्म होना चालू हो जाती है।
तो खत्म करने के लिए एक विशेष ट्रीटमेंट है जिसको बोला जाता है सिड्स बाथ। सिड्स बाथ मतलब हल्का गुनगुना पानी एक तसले में या फिर एक जो प्लास्टिक का टब होता है उसमें भर करके, उसमें आप अगर चाहें तो नीम की चटनी डाल सकते हैं या बीटाडीन लिक्विड वाला डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कभी कभी इसमें माइल्ड सा मैग्नीशियम सल्फेट। लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट कब डालेंगे? जब आपको एनएस के पास पेन हो रहा है लेकिन ब्लीडिंग नहीं है। अगर ब्लीडिंग के केस में आपने मैग्नीशियम सल्फेट डाला तो डेफिनेटली ये बर्निंग सेंसेशन कराने का काम करेगा। इसलिए अगर केवल पेन है, ये ब्लीडिंग हेमोराइड्स नहीं है, या फिर एनएस पे आसपास आपके कट नहीं लगे हुए हैं कहीं, तो फिर आप एप्सम सॉल्ट डाल करके भी पानी में बैठ सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन करा रहा है एनएस के आसपास, तो फिर एक बार आप गुनगुने पानी में बैठेंगे और एक बार ठंडे पानी में भी बैठेंगे ताकि जो गर्मी है वो गर्मी धीरे धीरे करके कम होना चालू हो जाए। अगर आप इतना करते हैं तो डेफिनेटली आराम होना चालू हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोलैप्स्ड जो हेमोराइड्स हैं बहुत ज्यादा निकल के बाहर आ गए हैं, ऐसे केस में हेमोरॉयडेक्टमी कराते हैं। अगर हेमोराइड्स को, एक्टमी का मतलब होता है उनको काट करके निकालना, तो अगर आप एक बार हेमोरॉयडेक्टमी करा लेते हैं उसके बाद में दोबारा हेमोरॉयड जनरेट ना हो, इसके लिए आपको ये पूरी लाइफस्टाइल का फॉलोअप बहुत आसान सा फॉलोअप है, जरूर करना चाहिए। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।